सोलन जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर उतर सके, जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़ सभी क्षेत्रों को सप्ताह में 2 बार अपना व्यावसायिक संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। जिन क्षेत्रों को अनुमति नहीं दी गई है उनमें बड़े बड़े मॉल, गाड़ियों के शोरूम, कॉल सेंटर, जिम, सैलून और ब्यूटी पार्लर शामिल हैं। अब इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के आय का साधन बंद हो चुका है। यही वजह है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करने वालों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है और उपायुक्त सोलन केसी चमन को ज्ञापन सौंपकर उनके संस्थाओं को जल्द खोलने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर उनके संस्थान ना खोले गए तो उन्हें घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और वे दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर भी होंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय चलाने वाले संचालकों ने बताया कि सभी ने बैंकों से ऋण लेकर व्यवसाय शुरू किया है। उनके संस्थाओं के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके व्यवसाय करीब 40 दिन से बंद पड़े हैं। आमदनी बिल्कुल बंद हो चुकी है और जो कर्मचारी उनके साथ जुड़े थे उनको भी वेतन देना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए उपायुक्त से उन्होंने अपील की है कि वे व्यवसायी को जल्द खोलने की अनुमति प्रदान करें। सोलन, हम सोलन उपायुक्त साहब से मिले थे, केसी चमन जी से हमारी बात हुई है। हमने अपनी मांग रखी है कि हमारे ब्यूटी पार्लर और हमारे बार्बर सैलून खोलने की अनुमति दी जाए, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। अभी तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं है और जैसे ही आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जैसा ही जो भी कुछ भी वहां से रिप्लाई आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे आम बाज़ार में दुकान खोलने की अनुमति दे दो दो तीन तीन दिन की दे रहे हैं, तो वैसी ही अनुमति हमारे को भी प्रदान की जाए ताकि हमारे बच्चों का खर्चा निकले, हमारे वर्करों का खर्चा निकले, हमारे बैंकों की किस्तें निकल जाए। जैसे कि हम ना डीसी ऑफिस में आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए, तो हमने ये देखा कि उनसे मिलके हमें ये पता लगा कि कहते हैं हमें सरकारी पीछे से कोई भी वो नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि सैलून खोलेंगे। तो जब सब खोले जा रहे हैं तो हमारे काम में क्या दिक्कत है, और हम लोग भी तो उसी समाज में आते हैं, हमारा समाज क्यों अलग किया गया। और दूसरी बात ये कि हमारे खर्चे हमारा तो हम 2 महीने से तो हम घर में बैठे हैं, चलो ठीक है, लेकिन जब सबको अनुमति जाए तो हमारे लिए क्यों नहीं अनुमति आई है। और इस सर ने बोला कि इसके लिए हम देखेंगे बाद में, जैसे अनुमति आएगी वैसे आपको बताया जाएगा। तो हम वेट करेंगे उस चीज़ का कि हाँ भाई हमें कब अनुमति मिलती है और कौन से डेज हमें मिलते हैं। जब सबको डेज दिए गए हैं तो हमें भी 2 डेज दिए जाने चाहिए थे एसोसिएशन की तरफ से, अपने सैलून एसोसिएशन की तरफ से। तो उनको एक एप्लीकेशन दिया हमने जिससे ज्ञापन गवर्नमेंट को दिया गया है, हिमाचल सरकार को, कि हमारे सैलून क्यों नहीं अभी तक ओपन किए गए, जब और मार्केट की दुकानें आप 2-2 दिन के 3-3 दिन के लिए खोल रहे हो, हमें क्यों नहीं परमिशन दी जा रही है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनकी फीसेज हैं, सैलरीज देनी है वर्कर्स की, किराए देने हैं दुकानों के, और सारे खर्चे पड़े हुए हैं हमारे ऊपर और उसी बिजनेस के ऊपर हम डिपेंड हैं, हमारा और कोई इनकम सोर्सेज नहीं है हमारे पास। तो गवर्नमेंट को प्लीज़ हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, डीसी महोदय से हमने यही रिक्वेस्ट की है। अब उन्होंने कहा है कि अब आपको बताते हैं, हम आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे कि क्या ऊपर से हमारे को क्या इंटीमेशन आती है इसके बारे में, फिर हमारे को बताएंगे कि पार्लर्स या सैलून्स खुलने हैं या नहीं खुलने हैं। तो तब तक हम लोग क्या करें, सैलरियाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि वर्कर्स को सैलरियाँ देनी है, जब हमारे पास खुद के लिए अर्निंग सोर्स नहीं हो रहा है तो हम कहाँ से वर्कर्स को कहाँ से दें। और किराए भी इतने अच्छे अच्छे किराए हैं जो कि पे करते हुए 1 महीने में हमारे पसीने निकलते हैं, बाकी तो 3-3 महीने के हम कहाँ से देते रहेंगे इकट्ठे इतने किराए, कैसे मैनेज होगा ये गवर्नमेंट हमारे लिए सोचे हमारे एसोसिएशन के बारे में भी। उन्होंने हमें यही कहा कि अब जब तक सेंटर से नहीं हमें नोटिफिकेशन आती है तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अभी फिलहाल फिर भी अगर आगे हाईकमांड में वो बात करके आगे कोई डिसीजन बनता है तो हमें जरूर इजाज़त दी जाएगी। आपको बता दें कि सोलन में करीब 100 से ज़्यादा पार्लर्स और सैलून हैं और इनमें ज़्यादातर लोग रोज़ाना कमाने और खाने वाले हैं। इन संस्थाओं में 5 से लेकर 15 कर्मचारी तक कार्यरत हैं, लेकिन आज ये सभी बेरोजगार की श्रेणी में आ चुके हैं। ऋण की किस्त, किराया और वेतन की देनदारी ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि इन्हें पता है कि उनके व्यवसाय में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन हालात के आगे वे मजबूर हैं, जिनके लिए सरकार को कोई रणनीति बनानी चाहिए ताकि इन्हें भी कुछ राहत मिल सके।